टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो बुलियन में हमने काफ़ी बड़ा मोमेंटम आते हुए देखा। हमने देखा कि जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 22 साल के हाई के बाद नीचे आना चालू हुआ, उसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने सभी मार्केट पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले अगर बुलियंस की बात करें तो सोने और चांदी में हमने एक बेतहाशा अच्छी तेजी आती हुई देखी। बुलडेक्स में 2.25% की तेजी, गोल्ड में 2% की तेजी और चांदी में हमने अच्छी तेजी, मतलब 3.5% की तेजी बनते हुए देखी। ओआई में गिरावट है, भाव में तेजी, इसका मतलब है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हुई है। हमने देखा कि सोना 49,930 का लेवल ओपन होता हुआ दिखाई दिया और पूरे हफ्ते में 50,860 का लेवल छूता हुआ दिखाई। इंटरनेशनल में भी हमने देखा 1800 का लेवल कंटिन्यू मेंटेन होने पर हमने देखा प्राइजेस के अंदर 1850 तक का भी लेवल ऑलमोस्ट टेस्ट करते हुए देखा। मुख्य कारण में अगर हम बात करें तो जिस ढंग से रिसेशन का जो कंसर्न बन रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बावजूद भी रिसेशन का कंसर्न बन रहा है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। साथ में डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, बॉन्ड यील्ड में गिरावट है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है जो सोने को सपोर्ट करे। इनफैक्ट डेटा पॉइंट की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूएस के डेटा काफी खराब आते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिला। अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर डेटा पॉइंट तो नहीं है, बट फिर भी फेड चेयरमैन की क्या स्पीच रहती है, डेट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जीडीपी के भी डेटा रहने हैं। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है 51,100 एमसीएक्स गोल्ड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर निकलने पे ही हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे, जो कहीं ना कहीं 51,700 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी की अगर बात करें तो साइकोलॉजिकल 62,500 के ऊपर प्राइजेस अगर कंटिन्यू होल्ड कर जाता है तो हम एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखेंगे, जो 63,600 से लेकर 64,000 तक का लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल सोना चांदी अगला हफ्ता साइडवे रहेगा, बट ऊंचे वाले लेवल ब्रेक करेगा तो हम अच्छी तेजी देख पाएंगे, बाय और ड्रॉप की रणनीति अपनाएंगे। वहीं अगर एनर्जी पैक की बात करें तो क्रूड और नेचुरल गैस काफी वॉलेटाइल सेशन में हमने ट्रेड होते हुए देखा, जहां क्रूड में 0.25% की तेजी और नेचुरल गैस में 6.5% की तेजी बनते हुए देखी। हमने देखा क्रूड के अंदर अभी भी यूरोप और रशिया के बीच में जो तनाव बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं क्रूड के लिए सपोर्टिव है, नो डाउट। चाइना मार्केट 1 तारीख से ओपन अप हो जाएगा, जिसकी वजह से भी क्रूड का सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ। अपसाइड थोड़ा थोड़ा कैप इसलिए भी लग रहा है कि बार बार में स्ट्रेटेजिक रिजर्व ओपन करने की बातें हो रही है, ओपन किया भी है, साथ में वेनेजुला को भी सेंक्शन से हटाने की बातें हो रही, जिसकी वजह से प्राइस में दबाव भी ले रहा है। कहीं ना कहीं इकोनॉमी नंबर खराब आने की वजह से अपसाइड थोड़े कैप जरूर है, बट जिस जन से इस हफ्ते में 8,170 से लेकर 9,000 के करीब का ट्रेड रहा है, वैसा ही कुछ हाल अगला हफ्ता ही रहेगा, जहां 8,200 के करीब बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है क्रूड के अंदर और हायर साइड में 9,200 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे, बट ऑलरेडी सीवियर रहने की उम्मीद है। सिमिलरली नेचुरल गैस में भी हमने देखा है कि रशिया और यूरोप के बीच में जो कंसर्न्स बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को अपसाइड दे रहा है। नो डाउट यूएस का अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो वो कंटिन्यू बढ़ भी रहा है और एक्सपोर्ट भी अच्छे हो रहे हैं, जिसकी वजह से अपसाइड भी थोड़े कैद दिख रहे हैं। बट जिस ढंग से प्राइजेस ने 602 का लेवल ओपन होने के बाद 660 का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया और प्राइजेस 6% की तेजी के साथ 632 के लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस भी अगले हफ्ते एक पॉजिटिव मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए, जो 620 से लेकर 670 का जो दायरा है, इस दायरे में ट्रेड रहेगा। अंत में अगर बेस मेटल की बात की जाए तो पूरे बेस मेटल में हमने शानदार रिकवरी बनते हुए देखी है, जहां कॉपर में हमने 2.5% की तेजी बनते हुए देखी और प्राइजेस 770 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। जिंक 3.5% की तेजी के साथ 319 के करीब के यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। निकल में अभी भी बड़े ट्रेड नहीं हो पा रहे हैं,
बट एल्यूमिनियम में सबसे बड़ी तेजी 5% की रही है और साथ में लेड 2.25% की तेजी के साथ 184 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखा। चाइना मार्केट ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ में इकोनॉमी में स्टिमुलस देने की घोषणा से हमने देखा पूरे बेस मेटल का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। साथ में डॉलर इंडेक्स की गिरावट भी कहीं ना कहीं बेस मेटल को सपोर्ट दे रही, तो अगले हफ्ते भी बेस मेटल में वॉलिटिटी कंटिन्यू रहेगी, तेजी के साथ ही मार्केट मूव करेगा। कॉपर की बात करें तो जब तक 760 के ऊपर मेंटेन है 785 के टारगेट के लिया जा सकता है। जिंक में 320 के ऊपर 324 तक के लेवल हम देख पाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा है जो 256 तक का भी लेवल आराम से दिखा सकता है। लेड पिछले 6 महीने से 180 से 190 के बीच में ट्रेड कर रहा है, अगले हफ्ते में भी मार्केट सपोर्ट जरूर रखेगा बट 186 187 तक का ही लेवल दिखा सकता है। तो इन ऑल पूरे बेस मेटल पैक के अंदर भी वॉलिटिटी के साथ बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के ट्रेड करना चाहिए। धन्यवाद। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।